हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं बनाने वाली हूँ फटाफट से बनने वाला बनाना सैंडविच। ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ बनाना, 2 ब्रेड स्लाइस, होममेड क्रीम, ये मलाई है जो घर पर आसानी से मिल जाती है, पाउडर्ड शुगर, अमूल बटर और कोकोआ पाउडर। चलिए सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाफ बनाना को इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। तो इस तरह से बनाना को काट लें। अब ब्रेड स्लाइस पर बटर लगाएंगे। तो दोनों ब्रेड स्लाइस पर मैंने बटर लगा लिया है इस तरह से। अब इसके ऊपर हल्का सा कोको पाउडर डस्ट करेंगे। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बनाना स्लाइस को लगा देंगे। देखिए इस तरह से बनाना के जो स्लाइस हमने किए थे उसे इस तरह से लगा देंगे। बनाना स्लाइस को लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। तो क्रीम को अच्छे से फेंट लें और इसके ऊपर इस तरह से लगाएं। दोनों स्लाइस पर क्रीम लगाएंगे। देखिए इस तरह से दोनों स्लाइस पर क्रीम डाल दें। अब जो पाउडर शुगर है हल्का सा मैं उसे डस्ट करूंगी। तो इस तरह से दोनों स्लाइस पर पाउडर शुगर लगा दें। अब सैंडविच को बंद कर दें और हल्के हाथ से प्रेस कर दें। ये देखिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। लो मीडियम फ्लेम पर गैस को ऑन करेंगे और उस पर ये नॉनस्टिक पैन चढ़ाएंगे। अब इसके ऊपर बनाना सैंडविच रखेंगे। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा दूंगी। तो सैंडविच के चारों तरफ अच्छे से बटर लगा दें। बटर लगाने के बाद हम इसे पलटा देंगे। तो इसे सावधानी से पलटाएं। कोई भी स्पून की हेल्प से आप इसे पलटा दें। अब सैंडविच के इस साइड भी हम बटर लगा देंगे। अब इसे नाइफ की हेल्प से पलट देंगे और हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सैंडविच है वो इस साइड से बहुत अच्छी तरीके से सिक चुका है। अब इसे 2 से 3 सेकंड और सेकेंगे और हमारा बनाना सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये 5 मिनट में बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा कलर आया है इसका। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।